वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं मेदू वड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये उड़द की दाल के या माश की दाल के बने हुए होते हैं। देखिए, ये मैंने उड़द की दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। इसमें पानी सारा निकाल देना चाहिए, पहले तो कम पानी में भिगाना चाहिए। देखिए, इसका बचा हुआ पानी है, बिना पानी के इसे पीसना है चटनी वाले जार में। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि आप हाथ में लेके देखें तो इसका शेप होल्ड करना चाहिए ये डो। तो ये करेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसे अब हम हाथ से इस तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी एयर बन जाए और अच्छे से ये क्रिस्पी और अंदर से स्पॉन्जी बने वड़ा। देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए इस तरह से फेंट लिया है। अब हम इसे एक चुटकी ही बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड करना है। और एक हरी मिर्ची को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और एक बिल्कुल छोटी सी प्याज ऐड की है और थोड़ा सा कोथमीर। और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। नमक आप कम डालें क्योंकि ये ड्राई रेसिपी है, तो देखकर डालें अपने हिसाब से। अब ये डालने के बाद में भी थोड़ा सा इसे अच्छे से मैंने हाथ से मिक्स कर लिया है और हाथ से ही मिक्स करना है ताकि इसमें अच्छी सी एयर बबल्स बन जाए। अब देखिए, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पैन में रख दिया है। पैन में गर्म करने से बहुत ही आसानी होती है, तो आप कोशिश करें कि पैन में बनाएं। अब चाय की छन्नी लेके मैंने इस पे पानी लगाया है, लेकिन आप ऑयल लगाएं क्योंकि पानी ऑयल में जाके उछलता है, तो आप ऑयल लगा दें। और इस तरह से वड़े का शेप अच्छे से छन्नी पर बन गया है। अब देखिए, स्टोव की फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दी है। पहले तेल गरम कर लेना है और फिर मीडियम फ्लेम पे ये वड़ों को फ्राई कर लेना है। तो जो मेरा चैनल पहले से देखते हैं उन्हें पता है कि मैं कम ऑयल में फ्राई करती हूँ। देखिए, अब हम ये इसको अच्छे से पलटा देंगे। हमें इसे पलटा के दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। बाहर से ये क्रिस्पी रहेगा और अंदर से बहुत ही स्पॉन्जी रहेगा। शेप थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। देखिए, और एक मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। अगर आप बिगनर है तो इस तरह से बनाएं, लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट है तो बना सकते हैं। देखिए, अब ये दोनों तरफ से मैंने पलटा के अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है और बैचेस में फ्राई करेंगे अब हम ये। अब आप देख सकते हैं इसमें ज़ीरा भी ऐड किया जाता है, आप चाहें तो ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। अब हम ये फ्राई हुए वड़ों को निकाल लेंगे और बाकी के भी बैचेस फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही टेस्टी वड़े बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और जो टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उनको ज़रूर आप यूज़ करके बनाइए, तो आपका भी वड़ा बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तो इसको आप कोई भी चटनी के साथ में या सांभर के साथ में सर्व कर सकते हैं। मैंने इसके साथ में चटनी बनाई है, नारियल की चटनी। ये मैंने ऑलरेडी चटनी की रेसिपी शेयर की है मेरे चैनल पे। फली की भी है और कोकोनट की भी है, आप चेक कर लें। फली रेसिपी बाय प्योर कुकिंग आपको मिल जाएगी, फली चटनी की रेसिपी बाय प्योर कुकिंग, या फिर सांभर रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने चटनी के साथ में सर्व कर दिया है। देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी वड़े बने हैं और अंदर से देखिए कितना स्पॉन्जी बना है वड़ा, बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।